नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट में खबरें बेंगलोर कर्नाटका से। कर्नाटक में जिस तरह से चुनाव की गर्मी बढ़ी है और जिस तरह से ऐलान हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री अगले 10 दिनों तक यहीं पर कैंप करेंगे, लगातार चुनाव प्रचार करेंगे और किन मुद्दों पर चुनाव प्रचार करेंगे यह भी सबके सामने उजागर हो गया है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है गली मोहल्लों में जाकर देखना कि आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता किन मुद्दों पर वोट देना चाहती है या किन मुद्दों पर परेशान है। क्या भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है कि नहीं, क्या महंगाई कोई मुद्दा है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात जो पूरी की पूरी कवायद चल रही है, कर्नाटक को हिंदू राष्ट्र की नई प्रयोगशाला में तब्दील करने की, उसके लिए लोग तैयार हैं कि नहीं। आखिर मतदाता सीमित तौर पर ही क्या कह रहे हैं इस नफरती ब्रिगेड के प्रचार के बारे में, आइए टटोलते हैं इन गलियों में। इस चुनाव में हम लोग ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये द्वेष और ये वायलेंस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे और एक क्रोध का माहौल जो पैदा कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये हम लोग देख सकते हैं और इसको हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक अपोज करना चाहिए। ज़्यादा सीट किसका आएगा? ज़्यादा कांग्रेस की आएगी। बीजेपी का नहीं आएगा? देखिए मतलब एक सीट होगा तो भी कांग्रेस की आएगा। तो यहाँ बीजेपी या कांग्रेस कौन ज्यादा है मैडम? वो भी अभी लेके कहेंगे बीजेपी ऊपर। बीजेपी बीजेपी ने अच्छा काम किया। मेन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल इज मोर, गैस विल बी मोर, महंगाई exactly, the cost of living is more completely other this one, education is more, nobody is taking care of everything, only we want to go there, phone vaanga poite namo idu pannom request pannom, nobody helping us. Aur isi ke sath sath Modi ji ek baat aur, aapke vishwasniye देश के गृह मंत्री, उनके खिलाफ कांग्रेस ने दरवाजा खटखटाया कि वह जो लगातार नफरती भाषण दे रहे हैं, लगातार जो कर्नाटक के मतदाताओं को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, यह जायज नहीं है। हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग खामोश है, खामोश रहेगा, क्योंकि आपने जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म विकसित किया है लोकतंत्र को दबाने का, उसमें चुनाव आयोग से अब किसी को उम्मीद नहीं है। लेकिन कम से कम कांग्रेस ने एक पहलकदमी की और कहा कि जिस तरह से नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है, जिस तरह से आपके कहने पर, जी हाँ ध्यान दीजिए, आपके कहने पर ही भाजपा का एक नेता जिसे आपने पहले दरकिनार किया था, वह वापस आता है और पब्लिकली ऐलान करता है कि भाजपा को एक भी मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और जब आपको प्रधानमंत्री बनाया देश की जनता ने, तब उस समय क्या सत्ता में बैठकर आपने ये घोषणा की थी कि आप देश के नागरिकों को अलग अलग ढंग से बांटते हैं? और अगर नहीं की, और अगर आप बीच बीच में मुसलमान नेताओं से भी मिलते हैं, तब क्या आप दूसरे देश के लोगों से मिलते हैं? सवाल बहुत सीधा है कि कर्नाटक की धरती को आप इस तरह की नफरती ब्रिगेड के हवाले क्यों सौंपना चाहते हैं? अभी बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमान भी एक मुद्दा कर्नाटक का रहा देश भर में, अभी भी काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी नफरत वाली बात कर रहे हैं, ये क्या आपका मुद्दा है क्या? नो मैडम, मेरा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ही इज़ माई कलीग एंड ही इज़ मुस्लिम, आई एम हिंदू, तो आई थिंक मेरा ऐसा कुछ है नहीं मुद्दा। लेकिन फिर ये कर्नाटक का पहचान ऐसा क्यों बन गया कि इसे सब लोग यहाँ पे बहुत नफरत करते हैं? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। आपको क्या लगता है? पर्सनली कुछ भी नहीं है, सब राजनीति मुद्दा है मैडम। लेकिन राजनीति तो हम ही चुनते हैं ना। पर्सनली कुछ भी नहीं है, हम लोग कितने सालों से साथ में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, एक ही रूम में रहे हैं, खाते हैं साथ में, पीते हैं, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं साथ में, ऐसा हमको कुछ भी नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा है, सब राजनीति होता है ये सब। जॉब भी मिला लोगों को? इसका भी जॉब नहीं मिला मैडम, ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಗಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಲಾಗಿ ಜಾರಿ ಬಡ ಆದ್ಮೇ
और गरीबों का काम गेम क्या भी है, फिर भी बीजेपी को भी वोट देते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अप्पा जी मेरा नाम क्या है? मेरा नाम अंसर है। मेरा नाम अप्पा जी। अंसर 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 जी, आपका नाम क्या है? लोकेश। लोकेश जी, आप कब से ये शॉप चला रहे हैं? क्लोज टू इलेक्शन वी सी दैट बीजेपी हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू पोलराइज पीपल ऑन बेस्ड ऑन रिलीजन कास्ट एंड ऑल दैट। बीजेपी का ये जो तरीका है ये कुछ नया नहीं है, ये कड़ी कई सालों से ये बीजेपी के लोग ऐसे करके ही आ रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, खुलेआम एक धर्म पे धर्म के नाम से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, खुलेआम एक धर्म को धमकी एक या दूसरे तरीके से देते ही आ रहे हैं, तो ये कोई नया नहीं है। पर और एक और बात है कि इन लोगों को जो कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और लोग चुपचाप बैठ के इसको देख के रहेंगे, इसको एक तमाशा जैसे देख के रहेंगे, इसको बंद करने के लिए ये जो कांग्रेस ये जो स्टेप उठाया है, जैसे हेट स्पीच को क्वेश्चन करना, कांग्रेस ही नहीं जो भी ऐसे इलेक्शन में खड़े होते हैं ऐसे हेट स्पीच देने पे, उन लोगों पे थोड़ा मुद्दा उठाना, उनका मुद्दा उठाना और उन पे उंगली दिखाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत अहम बात है। इसी के साथ साथ एक और अहम सवाल जो कर्नाटक की धरती पर उठ रहा है बार बार, कि आप जब कर्नाटक के विकास की बात करते हैं तो क्या सिर्फ कुछ उद्योगपतियों की बात करते हैं, सिर्फ आप नंदिनी के ऊपर अमूल को बैठाने की बात करते हैं, क्या आप भूल जाते हैं कि कर्नाटक की जनता की अपनी एक पूरी की पूरी जीने की पद्धति है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ नफरती एजेंडे में तब्दील करना चाहते हैं, आप भूल जाते हैं बसवन्ना को, आप भूल जाते हैं उस कर्नाटक की साझी विरासत को जिसने यहाँ पर मिलजुल कर लंबी एक परंपरा पैदा की, साथ रहने की, साथ नृत्य करने की और साथ गाना गाने की। So all Hindus, Muslims, Christians, they're all like brothers. So we don't have any problem among us. World Bank was crying. Who are creating all the divisions? That's what they're doing. They're all like friends. Yeah, friend. They're all. Friend to nahi hai. Nothing else in Karnataka. Nothing else. It's not going anything. Politics. Nothing is going on. Muslims, Hindus. Everybody is equal here. Everybody is equal here. We celebrate everybody. Hindu, Christian, this one. आपको मुसलमान से नफरत नहीं है? नहीं, 100% nothing else. We are very good. We are very friendship. We are very good. Do you think that for the youth employment is an issue, or of course it is. Everybody is ready for the pakodas? So as students we are going to be workers in the future as well, so it is important for us to be involved in the working class struggles as well, because we'll one day become workers as well. BJP ne kya gadbad kiya? Gadbad bola to sab jhoot hai, kuch bhi bolte hai wo karta hai kya? Nahi. अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कितना ज़्यादा है अभी, और करप्शन तो मैडम सभी जगह है। तो क्या लगता है कि ये करप्शन पहले से था, अभी ज़्यादा बढ़ा है या आगे? नहीं मैडम, स्टार्टिंग से ही है वो तो। क्या कर्नाटक में वाकई करप्शन एक मुद्दा है? करप्शन का कांग्रेस करता था उससे ज़्यादा ये लोग डबल है। करप्शन तो 100% है मैडम, सभी जगह में करप्शन है, सभी जगह में करप्शन है। यू डोंट से दैट एवरीथिंग एवरीवेयर करप्शन इज देयर। पेट्रोल का दाम 50 रुपए करेगा बोला, 50 रुपए किया है क्या? 100 रुपए किया। साल्ट या जीएसटी? बीजेपी में शासक है अभी, वो तभी शासक होने पहले कितना था प्रॉपर्टी, अभी कितना हो गया देख। कोई बात नहीं, कोई भी आदमी सौ फुट को ऊपर ही है। हमारे हिसाब से कांग्रेस आना वही बेस्ट है, कांग्रेस आना वही बेस्ट है। यह चुनाव, कर्नाटक के चुनाव बहुत अहम है, यह बात भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा और मोदी सरकार से ज्यादा कोई और नहीं जानता, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा 2024 में,
और यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पूरी टीम को उतार दिया है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लोकल के ऊपर राष्ट्रीय को हावी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन शायद यहीं पर एक बड़ी भूल भाजपा कर रही है, क्योंकि कर्नाटक बाकी राज्यों से अलग है। यहाँ पर कर्नाटक कनिडिगा जो पूरी की पूरी एक विचारधारा है, ये पूरी की पूरी सोच है, वहाँ पर उनका अपना जो लोकल प्राइड है वह बहुत अहम है। अब देखना यह ज़रूरी है कि ये जो सारे मुद्दे हैं ज़मीन के, यह चुनाव में किस तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं, या आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी और शाह की पूरी टीम यहाँ पर बम्बार्डिंग करने वाली है प्रचार से, उसे लेकर कर्नाटक के मतदाता उसी दिशा में जाएंगे या फिर बदलाव होगा।